जबलपुर में आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपराधियों और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही अवैध हथियार लेकर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ग्वारीघाट थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि खारीघाट के पास एक युवक अवैध देसी कट्टा खोसे घूम रहा है। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी की तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस मिला। पुलिस ने आरोपी से जब पूछताछ की तो उसने अपना नाम राहुल ध्रुवे उर्फ गब्बर बताया। पुलिस आरोपी को पिस्टल सहित गिरफ्तार कर थाने लाई और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इसमें यही है कि चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कोई वेपन्स या किसी प्रकार के धारदार हथियार का उपयोग ना हो करके प्रत्येक लोगों पे सस्पेक्टेड लोगों की तलाशी की कार्यवाही की जा रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एक देसी पिस्टल लेकर घूम रहा है, जिसकी मुखबिर सूचना को तस्दीक करने के लिए फोर्स रवाना किया गया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके पजेशन से एक देसी पिस्टल एवं जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ, जो अवैध वेपन्स रखने के विरुद्ध में 25-27 आर्म्स एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई की गई और आरोपी को जेल दाखिल किया गया। पूर्व से ही आरोपी रिकॉर्ड शुदा है, उसके प्रकरण पूर्व में अनेक थानों में पंजीबद्ध है। जो जिस आरोपी का नाम है गब्बर उर्फ भूपेंद्र।